सात अभियुक्तों के साथ 2 क्विंटल गांजा सहित अभियुक्त गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस के द्वारा गांजे का अवैध कारोबार करने वाले 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 200 किलो सूखा गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल कर रहे ट्रक और 2 चार पहिया वाहन भी बरामद किए गए। पकड़े गए सभी अभियुक्तों को पुलिस ने धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया। बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां आज पुलिस के द्वारा जनपद में भारी मात्रा में तस्करी के लिए लाए गए गांजे को पुलिस के द्वारा पकड़ते हुए तस्करी में शामिल लगभग 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूरे मामले की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि आज जनपद में तस्करी के लिए लाए गए 2 क्विंटल गांजे को SOG टीम और कोतवाली पुलिस के द्वारा 7 गांजा तस्करों को हिरासत में लेने का काम किया गया। उनके पास से 200 किलो गांजा व तस्करी में इस्तेमाल करने वाले 3 वाहनों को पकड़ा गया। जनपद में पुलिस के द्वारा ऑल क्लीन नामक एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। सर, क्या मामला है? मुझे पकड़े गए, क्या उसकी बरामद हुआ इनके पास से? देखिए, हम लोग को लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि जनपद में दूसरे प्रदेशों से अवैध जो है ड्रग्स, खासकर जो गांजे का काम हो रहा है, यहाँ पे लोग सप्लाई कर रहे हैं उसको और बड़े मात्रा में इसकी खपत हो रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक अभियान के तौर पर हम लोगों ने ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया है। वो ऑपरेशन लगातार चल रहा है। उसी ऑपरेशन के क्रम में एक बड़ी सफलता आज बांदा पुलिस को मिली है, जिसमें कि 200 किलो गांजा उसकी खेप पकड़ी गई है और उसकी लगभग जो इंटरनेशनल वैल्यू है 20 लाख रुपये के आसपास है। और ये खेप उड़ीसा से वाया छत्तीसगढ़ MP होते हुए बांदा आ रही थी और उसके बाद ये लोकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसमें जो मेन व्यक्ति हैं संगम साहू, इनको और इनके साथियों को पकड़ा गया है। इसमें एक ट्रक, एक बुलेरो और एक जाइलो, ये 3 चीज़ें पकड़ी गई हैं, जिसमें से कि लोगों का मूवमेंट और उस ट्रक में इस माल का मूवमेंट हो रहा था। तो ये बड़ी सफलता है। इन लोगों को से इंट्रोगेशन के दौरान और भी कई लोगों के नाम आए हैं, तो एक लिस्ट तैयार की गई है कि जनपद में जो मेन हैंडलर्स हैं